हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, माय नेम इज नारायण, मैं नारायण हूँ, मैं दोहा कतार से। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ, जैसे मेरे पुराने वीडियो है ड्राइविंग संबंधी है, मैं अगर कोई भी भाई नया है वो ड्राइविंग संबंधी कुछ जानना चाहता है तो मेरे वीडियो में बने रही है, उसको हर चीज़ में बताएगा, क्योंकि मैं दोहा कतार में है। तो दोहा कतार से अभी इधर मेरे को 5 ईयर हो गया, तो मेरे को बहुत सारा एक्सपीरियंस है गाड़ी संबंधी, गाड़ी के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, वो नॉलेज आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। और जो भी मेरे नए भाई लोग हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको अभी अभी लाइसेंस मिला है, वो लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं, वो क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि अभी जो मेरे भाई लोग हैं नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया से, तो वो लोगों के लिए ये वीडियो है, क्योंकि हम लोगों को लाइसेंस तो ले लेते हैं हम लोग स्कूल से, हम लोग पास भी हो जाते हैं, जो हमको ट्रेनिंग देते हैं ट्रेनिंग के हिसाब से, और हम लोग पास भी हो जाते हैं। पास होने के बाद हम लोगों के मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं, यार अभी रोड पे जाना है, स्पीड लगाना है कि क्या करना है, अभी लाइसेंस तो आ गया, कितना महीना तक लाइसेंस को सेफ्टी रखना है, ये हर एक चीज़ हम लोगों को माइंड में खेलता रहता है, मतलब एक डर सा रहता है, ठीक है। तो वो डर हटाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, और बहुत सारे सोचते होंगे ये क्या इम्पोर्टेंट है, हम लोग तो गाड़ी चला लेंगे, मुश्किल नहीं है। भाई ऐसा नहीं है, ये वीडियो आप लोग देखोगे, छोटी छोटी सी चीज़ों से बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है, बहुत बड़ा खतरा होता है, तो वो चीज़ मैं आप लोगों को बताएगा, ठीक है। तो जो आप लोगों का डाउट है वो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी ऐसा डाउट लगा था पहले, इसीलिए जो भी अभी नया लाइसेंस पकड़ा हुआ है, नया ड्राइविंग कर रहा है, उसको गाड़ी मिल गया, अभी वो उसके माइंड में बहुत सारे डर रहता है। तो दोस्तों, ऐसा डरने का कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हम लोग जैसे रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, हम लोग रोड पे जा रहे हैं, तो हम लोगों को अभी एक लास्ट ट्रैक होता है, लास्ट ट्रैक पे हम लोगों को जाना है, जब हमारा नया नया लाइसेंस है, स्टार्टिंग है, तो हम लोगों को एकदम ओवर स्पीड, ओवर कॉन्फिडेंस। भाई बहुत सारे लोग कहते हैं नया लाइसेंस पकड़ लिया अभी, बहुत सारे तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे, ये ड्राइविंग नहीं जानता है, ऐसा है वैसा है, क्यों स्पीड नहीं चलाता है। ये गलती कभी मत करना भाई, दूसरे की बात सुन के तुम गड्ढे पे मत जाना, मैं तो सीधी सी बात बता रहा हूँ, दूसरे की बात सुन के तुम चढ़ मत जाना। ड्राइविंग का जो सिस्टम है, कतार गवर्नमेंट का जो रूल्स है, जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो रूल्स बनाए हैं, वो रूल्स पे आप लोगों को फॉलो करके चलना है भाई, किसी का बात नहीं सुनना है, एकदम परफेक्ट ड्राइवर बन के दिखाना है, ठीक है। आप लोगों को गाड़ी मिल गया एग्जाम्पल, तो आप लोग रोड पे निकल गए, तो रोड पे बहुत सारे गाड़ियां होती है, देखा होगा आपने, कोई गाड़ी कैसे चलाता है, रॉन्ग ट्रैक पे रॉन्ग साइड से कभी गाड़ी नहीं चलाना, ठीक है। आपको अभी लेफ्ट में जाना है, तो आपको आराम से लेफ्ट सिग्नल देके आराम से निकलना है, पीछे गाड़ी देखना है भाई। इतना बहुत सारे क्या करते हैं, अभी मैं कट जाता हूँ, मैं जल्दी करता हूँ, मैं निकल जाता हूँ, ऐसा नहीं है। आप जिस ट्रैक पे हो उसी ट्रैक पे बने रहिए, अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो दोस्तों आराम से एक सिग्नल दीजिए, और फिर देखिए लुकिंग ग्लास पे गाड़ी आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे देखिए, उसके बाद नहीं आ रहा है तो फिर आराम से कट कर दीजिए। और अगर बहुत भीड़ है वो ट्रैक पे, अगर आपको लेफ्ट जाना है, लेफ्ट ट्रैक पे बहुत सारा भीड़ है, तो मत जाइए, जाना ही जरूरी नहीं है ना भाई, आप इसी ट्रैक से जाइए आगे से, फिर कहीं से आपको इजी तरीके से लेफ्ट जाने का रास्ता मिल जाएगा, तो आराम से कट करिए। ये मैं नए भाई लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आप लोग इस तरीके से गाड़ी चलाओगे तो बहुत सारा एक्सीडेंट होने का खतरा आपको बच जाएगा, ठीक है, और दूसरा गाड़ी को भी नहीं होगा। आप लोगों को पूरा वो नॉलेज नहीं होता है, आप लोग फटाक से लेफ्ट साइड दे देते हो, फटाक से कट कर देते हो, और पीछे का गाड़ी पूरा स्पीड में आ रहा होता है, धड़ाम से लग जाता है, ये प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे एक्सीडेंट होने का खतरा इधर ही से होता है, ठीक है भाई। एक लेवल होता है स्पीड का, क्योंकि दूसरा गाड़ी स्पीड में आ रहा है, अपना गाड़ी उतना पिकअप नहीं दे रहा है, आप फिर लेफ्ट सिग्नल देके डाल दोगे तो दूसरे को डिस्टर्ब होगा ना, ये जिगजैग करना नहीं है, उसको बोलते हैं जिगजैग करोगे सीधा आपको फाइन आएगा, ठीक है। तो दोस्तों, गाड़ी में बहुत सारी चीजें होती है, क्लियर करके चलना पड़ता है रोड पे एकदम से, और फर्स्ट ट्रैक पे गाड़ी कभी भी फर्स्ट ट्रैक पे गाड़ी नहीं डालो, ये ट्रक के लिए बोल रहा हूँ, ट्रक और बड़े गाड़ी के लिए मैं बता रहा हूँ, फर्स्ट ट्रैक पे कभी मत डालना भाई साहब। फर्स्ट ट्रैक पे डालोगे, अगर किसी ने नंबर आपका दे दिया ये गाड़ी ऐसा स्लो चल रहा है बोल के, सीधा फाइन आएगा आपको, ऐसा भी नहीं करना है। आपका लास्ट ट्रैक सेकंड लास्ट पे आप आराम से चल सकते हो, और वही भी है भाई, फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट पे आपको क्या जल्दी है ड्राइविंग में, इतना जल्दी में चला के क्या करोगे भाई, तुम्हारा लाइफ है तो तुम्हारा फैमिली भी है भाई, तुम्हारा लाइफ है, तुम ड्राइवर है तो तुम्हारा लाइफ
सबसे फर्स्ट सेफ्टी होना चाहिए, सीट बेल्ट लगाओ और आराम से क्या बोलते हैं सीट बेल्ट लगा के आराम से अपना पूरा चेक करके गाड़ी को सुबह में पूरा टायर से लेके आगे होगी पीछे का पूरा चेक करना एवरी डे। जो भी मेरे नए भाई लोग हैं नए नए लाइसेंस पकड़ा है वो लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं, एवरी डे पूरा राउंड चेक करके गाड़ी का कैबिन ओपन करके और ऑयल चेक करना है, ऑयल चेक करने के बाद उधर इंजन में पानी है या नहीं है वो भी चेक करना है, ठीक है, वो पूरा चेक करके कार्बोहाइड्रेट का होता है ये साइड में पानी वो भी चेक करना है, पूरा चेक करके गाड़ी फिरा के आराम से स्टार्ट करना है। और स्टार्ट के टाइम में हम लोगों को पूरा ये दिखाता है इधर लाइट में, ठीक है, डीजल का ऑयल का इंजन का सब कुछ इधर दिखाता है, अगर सब कुछ रेडी फिर आराम से स्टार्ट करो फिर जाओ, कोई आपको नहीं बोल रहा है भाई जल्दी में जाओ जल्दी करो ऐसा करो। और सिग्नल में क्या करते हैं आदमी लोग, सिग्नल जब जब करता है उसी टाइम में एकदम से जाना ही पड़ता है फास्ट में, तो ऐसा नहीं करो भाई, अपना देख के चलो स्पीड में ऐसा नहीं निकल जाना है, ठीक है, आराम से देखो। अब अगर फाइन आ गया तो कोई आपको पैसा नहीं देगा भाई, आपके जेब से जाएगा, ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, अगर फाइन आ गया तो आप लोगों के जेब से जाएगा, ये किसी के कोई आदमी देने वाला नहीं है, आपको पे करना पड़ेगा। इसीलिए अगर येल्लो दे रहा है तो वो क्या है आपका वार्निंग है, उस टाइम में आप अगर नज़दीक में हो तो जा सकते हो अगर कट जाए तो, ये नहीं कि आप एकदम स्पीड में आके अगर स्पीड अगर आपका स्पीड ज़्यादा है तो स्पीड का कैमरा मारेगा भाई, रेड लाइट का भी मारेगा स्पीड का भी मारेगा, इसीलिए रेड सिग्नल का भी बहुत केयर करना है, ठीक है दोस्तों। सिग्नल पे बहुत सारे दोस्त क्या करते चला जाएगा, मैं जाएगा भाई थोड़ा सब्र करके आराम से जाओ ना भाई, 3 मिनट 2 मिनट का सिग्नल होता है उस टाइम तो निकल जाता है ना फिर तो। और एक बात और इम्पोर्टेंट बात क्या है, जो भी मेरे भाई लोग हैं वो लोग क्या करते हैं अगर गाड़ी स्पीड में जा रहा है तो वो लोग कन्फ्यूजन में है, अभी क्लच दबाना है या ब्रेक दबाना है पहले ये बात भी मालूम नहीं है, अभी क्लच दबाना है या ब्रेक दबाना है, गाड़ी कैसे रोकना है स्पीड में, जब अचानक से कोई दूसरा गाड़ी आ गया तो आप क्लच दबाओगे या ब्रेक दबाओगे, ये पॉइंट पे बहुत सारे भाई लोग डाउट में रहते हैं, तो ये बात भी मैं क्लियर कर देता हूँ भाई साहब, अगर गाड़ी आपका स्पीड में है तो फर्स्ट में आप ब्रेक दबाओगे, ठीक है, क्लच नहीं दबाना है, फर्स्ट में आप क्या करोगे ब्रेक दबाओगे, ब्रेक दबाने के बाद अगर गाड़ी स्लो हो जाए, स्लो होने के बाद अगर गाड़ी रुकने के टाइम में आप क्लच दबा के, ये गियर है क्लच दबा के आराम से गियर न्यूट्रल कर सकते हैं, ठीक है, इतना कोई वो बात नहीं, ये बड़ा बात नहीं, ये इजी सा बात, तो ये भी आदमी लोग कंफ्यूज होते हैं क्या करते हैं पहले ही क्लच दबा देते, क्लच दबाओगे तो गाड़ी और फ्री हो जाता है भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आप स्पीड में हो आप जा रहे हो कोई अचानक से ऐसा क्रश मार दिया तो आप क्या करोगे क्लच दबाओगे तो और गाड़ी आगे जाएगा ना भाई, क्लच नहीं दबाना है आपको, एकदम से फर्स्ट ब्रेक उसको बचाना है भाई, पहले ब्रेक मारो, गाड़ी बंद हो जाए मुश्किल नहीं है, पहले ब्रेक मारो, गाड़ी बंद हो जाए तो दोबारा स्टार्ट कर सकते हो ना, अगर उधर कुछ हो जाए तो फिर कौन जिम्मेदार होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो भाई लोग आज आप लोगों को मैंने इतना कुछ बताया, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था, और भी आप लोगों को जानना है तो ड्राइविंग संबंधी तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये सारी बातें जो आज आप लोगों के लिए मैंने बताया, मैं बनाया वीडियो, तो इसके लिए आपको कैसा लगा मेरा वीडियो, तो मेरा वीडियो में बने रहने के लिए मेरा सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, बताओ मैं कैसे कैसा वीडियो आपको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो देखते हो तो लाइक भी मार दिया करो यार, लाइक मारने में क्या जाता है, सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है भाई, आपके फायदे के लिए बना रहा हूँ ना मैं भी वीडियो, बहुत सारे दोस्त कन्फ्यूज होते हैं इसीलिए बना रहा हूँ, तो लाइक कर दिया करो यार, फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है दोस्तों। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, आज के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय।